दोस्तों, हमारा देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। भारत की आबादी इस समय करीबन 140 करोड़ है। भारत से आगे सिर्फ चाइना है। वहीं यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2027 तक भारत चाइना को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको जनसंख्या के आधार पर भारत के 10 सबसे बड़े शहर बताने वाले हैं। नंबर 10, जयपुर। जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ इस राज्य की राजधानी भी है। इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 41 लाख के करीब है, जो इसे भारत की 10वें सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बनाती है। यहाँ के घरों में लगे गुलाबी धौलपुरी पत्थरों की वजह से इस शहर को दुनिया भर में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है। नंबर 9, पुणे। महाराष्ट्र का पुणे शहर भारत के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में 9वें नंबर पर है। यह महाराष्ट्र राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पुणे को भारत का एजुकेशन हब भी कहते हैं, क्योंकि इस शहर में काफ़ी संख्या में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। नंबर 8, सूरत। टॉप 10 आबादी वाले शहरों में गुजरात का सूरत शहर भी शामिल है, जिसकी आबादी 72 लाख के आसपास है। सूरत डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के साथ साथ अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। दुनिया के करीब 90% डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का काम इसी शहर में होता है। गुजरात की इकोनॉमी में इस शहर का बड़ा हाथ है। नंबर 7, अहमदाबाद। गांधीनगर से पहले अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी थी। अहमदाबाद इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है। अहमदाबाद की आबादी इस समय करीबन 82 लाख है। यह शहर कॉटन इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। नंबर 6, हैदराबाद। तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद की पॉपुलेशन 1 करोड़ है और भी इस मामले में देश में 6वें नंबर पर स्टैंड करती है। बेंगलोर की ही तरह अब हैदराबाद भी आईटी फील्ड में तेजी से तरक्की कर रहा है। भारत में सबसे ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्रीज भी इसी शहर में है। हैदराबाद को निजाम का शहर और मोतियों का शहर भी कहते हैं। नंबर 5, चेन्नई। चेन्नई साउथ इंडियन स्टेट तमिलनाडु की कैपिटल सिटी है। इस शहर की आबादी करीबन 1.1 करोड़ है। बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज होने की वजह से इस शहर को भारत का डेट्रॉयड भी कहते हैं। चेन्नई को साउथ इंडिया की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। नंबर 4, बेंगलोर। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात बेंगलोर कर्नाटक राज्य की राजधानी है। इस शहर की आबादी 1.3 करोड़ के आसपास है। बेंगलोर को भारत का आईटी कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि इस शहर में सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनियां हैं। इन्फोसिस, विप्रो, इसरो और HAL जैसी कई कंपनियों के हेडक्वार्टर इस शहर में स्थित हैं। नंबर 3, कोलकाता। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता आबादी के मामले में 3रे नंबर पर है। इस शहर की आबादी करीबन 1.5 करोड़ है और पॉपुलेशन डेंसिटी 24,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है। कोलकाता को भारत की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है। भारत की पहली राजधानी कोलकाता ही थी। 1911 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। नंबर 2, मुंबई। सपनों के शहर के नाम से प्रसिद्ध मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई भारत का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। मुंबई की जनसंख्या 2 करोड़ के करीब है, जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी 25,000 पर स्क्वायर किलोमीटर है। मुंबई को भारत की कमर्शियल और फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि भारत की GDP में इस शहर का सबसे ज़्यादा योगदान है। नंबर 1, दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली लगभग 3 करोड़ की आबादी के साथ टॉप पर है। इस शहर की पॉपुलेशन डेंसिटी 29,260 पर स्क्वायर किलोमीटर है। यही नहीं, आबादी के मामले में दिल्ली पूरी दुनिया में जापान के टोक्यो के बाद नंबर 2 पर है। बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की वजह से दिल्ली दुनिया भर के सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।